हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेट नंबर 4 GK GS का। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपसे एक बात करने जा रहा हूँ। कभी भी आप GK GS का पढ़ाई करें, GK GS का तैयारी करें, तो उसको फैक्ट्स से रिलेटेड याद करें और लिंक करने का कोशिश करें सभी जगह से। मान लेते एक पॉइंट है, उसको जितना ज़्यादा लिंक करेंगे वो आपको फ़ायदा करेगा और इसी तरह जो है ना आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मैं आपको इसी तरह से फैक्ट्स को इकट्ठा करके एक जगह बताऊंगा और आपको हर फैक्ट्स को लिंक करके बताऊंगा ताकि याद रहे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ कौन से शहर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक एट प्रेजेंट किया गया प्रेजेंट इस्टेब्लिश हुआ। तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। अब जेनेटिक शब्द आया, अब इससे लिंक करेंगे। जेनेटिक क्या होता है? जीन ट्रांसफ़र वन जनरेशन टू अनदर, मींस जीन का ट्रांसफ़र होना एक जनरेशन से आगे। इसके फादर कौन है? जॉन मेंडल। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर, जॉन मेंडल। जीन वर्ड कौन दिया? ये दिया जॉनसन ने। साइंटिफिक नेम पी का क्या? पाइसम सैटिवम। ये सब हुआ, ठीक है। तेलंगाना के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव। अच्छा, इम्प्रिंट इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, ये किसके द्वारा हुआ? ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्टर के द्वारा हुआ। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है HRD मिनिस्टर के द्वारा। उस समय रमेश पोखरियाल थे, वही किए थे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डॉक्टर हर्षवर्धन थे, दोनों ने मिल के किया। इम्पैक्टिंग द रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्रिंट का फॉर्मूला है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, व्हेन स्वामी विवेकानंद जो थे कब एड्रेस किए थे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस इन शिकागो में? 1893 में इन्होंने किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, 1893 में किया था, ठीक है। विवेकानंद के गुरु कौन से थे? अच्छा, सबसे पहले वहाँ शिकागो में विवेकानंद ने क्या वर्ड किया था? उन्होंने बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अमेरिकन्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये किनके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस, ये जो कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। अच्छा, रामकृष्ण मिशन किनका चलाया गया? विवेकानंद के द्वारा ही चलाया गया, तो ये सब चीज़ याद रखिए। रामकृष्ण परमहंस है ना। अच्छा, विवेकानंद का जो नाम था बचपन का, नाम नरेंद्र दत्त, क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद के ओरिजिनल नेम। हु अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स? न्यू दिल्ली में कौन अपॉइंट किया था डायरेक्टर जनरल? अब इसमें टी सी ए राघवन कोई थे, उन्होंने करवाया था। ये उस समय का करंट अफेयर है, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। UPSC के चेयरमैन अरविंद उस समय का थे। अच्छा, ये याद रखिएगा, UPSC का जो आर्टिकल किस में आता है? UPSC का जो आर्टिकल है वो 315 से 323, याद रखिएगा आर्टिकल 315 से 323। इसमें सेंटर में UPSC होता है, स्टेट में PCS होता है। ये 6 साल के लिए होता है, ये 6 साल से कम के लिए होता है, PCS तो 6 साल तक होता है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 312 किसके लिए? ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए होता है। इसमें राज्यसभा में या पहले बिल पास होता है फिर रोक, इसमें राज्यसभा पावरफुल जो है राज्यसभा, ठीक है, तो ये याद रखना होगा। एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है? दोबारा मुड़ के नहीं बन सकता। केमिकल चेंज का मतलब होता है दोबारा मुड़ के बन नहीं सकता। जैसे मान लेते हैं कि एक बार चाय बना लिए, फिर से चाय ला सकते हैं? नहीं आ सकते। एक बार खाना पच गया तो फिर से खाना आ सकता? नहीं आ सकता, तो वही केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज की बात आएगी, फिजिकल चेंज में क्या है कि फिर से रिटर्न हो सकता है, ठीक है।
सबलिमेशन का मतलब क्या हुआ, सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में जब बन रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में बन जा रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, तो वो जो है ना सबलिमेशन कहलाएगा, केमिकल चेंज है ये। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा, नेफ्थालीन जो है ना सबसे बढ़िया एग्जांपल है सबलिमेशन का। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, पानी के नीचे क्रिस्टल बना देता है, पानी जब भी होता है उसके नीचे क्रिस्टल बन जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन किसको कहते हैं, इसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिल के सॉल्ट और वाटर बना, जैसे समझता है एसिड कौन है, एसिड आपको बताते हैं HCl प्लस NaCl इक्वल टू HCl प्लस बेस ना NaOH, ये NaCl प्लस वाटर सॉल्ट प्लस वाटर बना, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या होता है, पानी में बहुत सारे होते हैं क्या, उसका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर अलग अलग करते हैं, बहुत सारे होते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, बहुत सारे मतलब पार्टिकल्स होते हैं और अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर अलग अलग वो अपना प्रॉपर्टीज होता है। लेड पेंसिल कंटेंस है 0% लेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसाने के लिए देते हैं। जीरो परसेंट लेड, समझे ना, लेड पेंसिल में 0% लेड होता है। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं ना, ये ग्रेफाइट को कहते हैं, ग्रेफाइट जो होता है ना एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट जो होते हैं ना एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है एलोट्रोप। ग्रेफाइट का यूज़ मॉडरेटर में हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करता है। ठीक है, अच्छा लेड जो इस्तेमाल होता है जितने भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं बनते हैं, लास्ट में लेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, लास्ट में जो है ना रेड प्रोडक्ट बनता है। लेड की ओर कौन सा है, गैलेना कहते हैं, लेड की ओर को कहते हैं गैलेना। ठीक है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में बैठ रहा है, डिस्ट्रिक्ट रेवा में, कहाँ रेवा में बन रहा है, मध्य प्रदेश का रेवा में। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, असीरगढ़ फोर्ट कहते हैं, कान्हा नेशनल पावर है, मार्बल रॉक से बनता है। अच्छा विंध्याज और सतपुरा के बीच में रिफ्ट वैली बनाता कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में बनता है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है फॉरेस्ट के मामले में, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में। विच इज अ पारामैग्नेटिक मटेरियल्स, अब देखिए पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दो को सब्सटेंस होते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये आपको याद रखना है। देखिए पारामैग्नेटिक का मतलब हुआ कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना, अनपेयर्ड है पेयरिंग में नहीं, मतलब इस तरह से जो पेयर रहता है ना इस तरह में नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब है ना तो पारामैग्नेटिक शो करेगा, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऐसे तो वो जो है क्या करेगा, वो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें पारामैग्नेटिक क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड एक अरेंज रहता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज
आ जाते हैं, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब आते हैं, जैसे एलुमिनियम, प्लेटिनम, मैगनीज, कैल्शियम, सोडियम, ये सब जो है ना, एलुमिनियम, प्लेटिनम, मैगनीज, कैल्शियम, ये सब जो है, ये सब कैल्शियम, सोडियम, लिथियम, ये सब क्या शो करते हैं? डाई मैग्नेटिक शो करते हैं। डाई मैग्नेटिक मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड में, ठीक है। ये हो गया आवाज। गोल्ड, सिल्वर, एंटीमनी। अच्छा, डाई मैग्नेटिक में क्या होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस तरह से होता है। गोल्ड, सिल्वर, एंटीमनी। फेरो मैग्नेटिक क्या होता है? आयरन, स्टील एंड निकल। फेरो मैग्नेटिक, ठीक है। डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक कौन कौन है? आयरन, स्टील एंड निकल, ये पूरा में मैग्नेटिक आ जाता है, जितने भी है ना पूरा में मैग्नेटिक आ जाता है। अच्छा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होता है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो दिया है ना, ये फैराडे ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, फैराडे ने दिया। एट प्रेजेंट नागालैंड गवर्नमेंट हैज अनाउंस द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट्स। ये 30वां गवर्नमेंट है नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो गया, कैपिटल। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है, और सिंगफैन यहाँ पे जो थे यहाँ पर। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था ये 1992 में हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर उस समय थे, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ग्रुप जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ग्रुप कौन है? गुरुग्राम में है, और ये भारत में इसका हेडक्वार्टर, पहला इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। द फर्स्ट एवर हिमालयन स्टेट्स कंसिस्ट इज स्टार्टेड टू बी हेल्ड इन विच स्टेट? उत्तराखंड। अब कौन सा फर्स्ट एवर स्टेट्स कौन से? जिम कॉर्बेट राजा जी, ये सब क्या है? उत्तराखंड में ही है जिम कॉर्बेट राजा जी। विच इंडियन हैज कोलैबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टू कंडक्ट लार्जेस्ट पैन इंडिया ओरल हेल्थ सर्वे? एम्स ने किया है, ठीक है। क्यों किया? एम्स ने किया। डायरेक्टर जनरल ऑफ आई वी अरविंद खुराना थे, ठीक है। विच सिटी इज होस्टिंग फर्स्ट एवर ISA ज्वाइंट सिक्योरिटी अलायंस एक्सरसाइज? ISLX 19 अबू धाबी ने कर रहा है। 21वां कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप उड़ीसा में होने जा रहा है, कॉमनवेल्थ 21वां उड़ीसा में होगा, ठीक है। किस इंडियन स्प्रिंटर हैज वॉन द गोल्ड इन विनर्स 200 मीटर एट द पोजमैन एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स और पोलैंड? हिमा दास ने किया, गोल्ड जीती है हिमा दास, गोल्ड। फ्रेंड्स, एक चीज़ बता देते हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये रिपीट हो रहा है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। विच एंशियंट साइट ऑफ इराक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? बेबीलोन को किया गया, ठीक है। इसको किया बेबीलोन को किया गया। विच आर्टिकल स्टेज विद द प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब एक चीज़ बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल किया गया? ये आर्टिकल तो 368 ही है, पार्ट 10 में बताया गया। अच्छा, एमरजेंसी जब भी लगती है ना, अमेंडमेंट्स के लिए तो 368 है, ठीक बनता है। कौन से आर्टिकल बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए कौन सा आर्टिकल बोलते हैं? आर्टिकल 129 बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के लिए देखो, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा दिया गया है?
सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल जो है 124 है, हाई कोर्ट के लिए 214, सुप्रीम कोर्ट के लिए 124, हाई कोर्ट के लिए 214। आर्टिकल 32 बताया कि यार रिट रिट के बारे में बोल सकते हैं, आर्टिकल 32 इसी को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा आर्टिकल 32 के लिए रिट रिट जारी करना है सुप्रीम कोर्ट में तो आर्टिकल 32 के तरफ होगा, लेकिन हाई कोर्ट में अगर करना है तो आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के बारे में बोलते हैं। रिट में पावर कौन सा है, रिट में जो पावर है ना वो हाई कोर्ट सबसे पावर, फिर सुप्रीम कोर्ट। इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट में लीगल राइट प्लस फंडामेंटल राइट दोनों की बात करते हैं। आर्टिकल 352 जो बताया गया ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया, ऑन अकाउंट ऑफ वार फॉर अग्रेशन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें इमरजेंसी का जब बात हुआ है तो ध्यान देने की बात है, नेशनल इमरजेंसी जो है ना ये आर्टिकल 352 में बताया गया, तीन रीज़न के कारण लगती है। एक तो वार हुआ था 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार और उसमें बांग्लादेश बना, दूसरा जो एक्सटर्नल अग्रेशन हुआ था, ठीक, 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था जिसमें चेंज करके तीन वो शब्द ऐड किया, सोशलिस्ट सेकुलर ऐड किया गया वर्ड, आर्म्ड रिवेलियन पहले नाम था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है 1975 में आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया। नेशनल जब भी लगती है नेशनल इमरजेंसी जब भी लगती है तो 14 दिन के अंदर बिल पास करना होता है, ठीक है 1 महीने के अंदर बिल पास करना होता है, 1 महीने 6 महीने के लिए नेशनल इमरजेंसी लगती है। अगर बिल पास हुआ तो मैक्सिमम अनलिमिटेड टाइम लग सकता है, 1 महीने के अंदर दोबारा पास कराना ज़रूरी है। आर्टिकल 21 जो राइट है वो नेशनल इमरजेंसी में ख़त्म नहीं होता, ठीक है। राइट टू लाइफ, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन रिसिपियंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी में राहुल द्रविड़ को दिया गया, वॉल ऑफ इंडिया में, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर जो संस्कृत में पब्लिश होता था कौन था, सुधर्मा, पंच जन जो RSS का है ये तो RSS का है, दीनदयाल उपाध्याय, मजूली आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मजूली आइलैंड जो असम में कौन से रिवर द्वारा बनाया जाता है, या ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा बनाया जाता है, शांगपो कहते हैं तिब्बत में इसको, ग्लेशियर से निकलती है, कौन सा, चेम यांगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। रेनमिनबी जो है करेंसी किसका है, ये चाइना का करेंसी, किसका है, चाइना का करेंसी। थैंक्स फ्रेंड्स, जब आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।